नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति रायना। आज हम आपको बताएंगे क्या होते हैं स्मार्ट बीटा फंड, कैसे है पैसिव और एक्टिव निवेश की स्ट्रेटेजी के तरीके को अपनाकर कम लागत और कम जोखिम में बेहतर रिटर्न दिला सकते हैं। स्मार्ट बीटा फंड किसे लेना चाहिए, क्यों आप करें इसमें निवेश, पोर्टफोलियो में शामिल करने से क्या है फायदे, तमाम जो बारीकियां हैं समझेंगे। मुनाफे की स्मार्ट स्ट्रेटेजी बताने के लिए दो खास हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। परिचय करा देते हैं। चिंतन हरिया, हेड प्रोडक्ट ICICI प्रू AMC, और फिरोज अजीज, डेप्यूटी CEO आनंद राठी वेल्थ। चिंतन और फिरोज, आप दोनों का स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। फैक्टर इन्वेस्टिंग, मतलब जो इसका पूरा जो बेस है वो फैक्टर इन्वेस्टिंग से इसकी शुरुआत करने की जरूरत है, फिर हम परत दर परत इस पूरे जो प्रोसेस है इसको समझेंगे। मैं सबसे पहले फैक्टर इन्वेस्टिंग के बारे में दर्शकों के लिए आसान भाषा में फिरोज आपसे समझना चाहती हूँ कि हम एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है जिसके बारे में बखूबी निवेशक अब जानने और समझने लगे हैं। फैक्टर इन्वेस्टिंग क्या है, ये कैसे समझा जाए, एक निवेशक के लिए कितना इम्पोर्टेंट? नमस्कार स्वाति जी, नमस्कार चिंतन जी। आई थिंक पहले तो फैक्टर इन्वेस्टिंग एज द नेम सजेस्ट, देखिए कोई भी एक रणनीति की एक बुनियाद होती है। जैसे अगर आप ले लें वैल्यू और ग्रोथ, ये दो अलग स्टाइल्स हैं इन्वेस्टिंग के, तो इसको एक फैक्टर मान सकते हैं। फैक्टर एज द नेम सजेस्ट, कोई बुनियाद जिस आधार पे स्टॉक्स का चुनाव होगा उस आधार को फैक्टर कहते हैं। सो फैक्टर इन्वेस्टिंग इज मोर मेथोडिकल, मोर स्ट्रेटजी ड्रिवन, और काफी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो जो भी रणनीति है उसकी जो बुनियाद होती है उसको फैक्टर कहते हैं, पॉइंट वन। पॉइंट टू, मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। आप अगर चूज कर रहे हैं वैल्यूएशन के आधार पर बिजनेसेस चूज कर रहे हैं तो वैल्यूएशन एज अ फैक्टर, मोमेंटम के आधार पर चूज कर रहे हैं तो मोमेंटम एक फैक्टर हो सकता है। तो ये बेसिकली थोड़ी ज्यादा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट काफी स्मज्ड है। कोई भी फंड मैनेजर थोड़े तो फैक्टर्स यूज करता ही है, और फैक्टर इन्वेस्टिंग ह्यूमन जजमेंट को थोड़ी कम अहमियत देता है, बट आई थिंक द होल बिट इज द सटल डिफरेंस बिटवीन फुल ह्यूमन मैनेजमेंट टू पार्शियल ह्यूमन मैनेजमेंट। ओके, तो एक बेस हमने समझा फैक्टर इन्वेस्टिंग का। चिंतन, आपसे जानना चाहेंगे फैक्टर इन्वेस्टिंग क्या है, इसके फायदे, जैसा फिरोज बता रहे थे अलग अलग तरीके के फैक्टर हैं, वैल्यू, ग्रोथ, क्वालिटी, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी। सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल जरूर लगता है, लेकिन आप इसे अगर सिंप्लीफाई करके हमें बताएं कि ये फैक्टर किस तरीके से काम करते हैं किसी एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में उसकी इम्पोर्टेंस के लिहाज से। तो हम देखेंगे कि जो फैक्टर्स होते हैं वो एक्टिव फंड में भी यूज किए जाते हैं। जो एक्टिव फंड मैनेजर्स होते हैं वो ये देखते हैं कि उनके पोर्टफोलियो में वैल्यू स्टॉक्स, यानी कि जो वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ते स्टॉक्स है वो उन्हें लेने हैं, या फिर कुछ होते हैं फंड मैनेजर्स जो आज की मोमेंटम ड्रिवन रैली, जैसे कि पावर सेक्टर में आज रैली थी तो क्या उन्हें पावर सेक्टर की मोमेंटम ड्रिवन रैली में पार्टिसिपेट करना है। कुछ फंड मैनेजर्स ऐसे होते हैं जो अगले 10 साल 15 साल की जो ग्रोथ, जैसे कि नई टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र है, नए 10 साल की जो ग्रोथ है वो 10 साल की ग्रोथ अगर उनको इन्वेस्ट करना है तो वो सिलेक्ट करते हैं। तो एक्टिव फंड मैनेजर भी ये फैक्टर्स जो फिरोज जी ने कहे वो यूज करते हैं अपने फंड मैनेजमेंट में। हमने देखा है आमतौर पर कि आप अगर कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन के साथ एक पोर्टफोलियो में निवेश करते हैं तो आपको उसका फायदा मिलता है, और इसीलिए पैसिव फंड्स में आपको पैकेजेस मिलते हैं अलग अलग फैक्टर्स की। ये फैक्टर्स क्या है आपने कहा सरल भाषा में समझाए, तो इन फैक्टर्स को बेसिकली चुना जाता है वैल्यूएशन के हिसाब से या प्राइस के हिसाब से, जो शेयर्स के भाव होते हैं उन हिसाब से फैक्टर्स बनते हैं, या फिर जो वैल्यूएशन के हिसाब से। वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्राइस टू अर्निंग्स, प्राइस टू बुक, प्राइस टू अर्निंग्स और प्राइस टू बुक सबसे नामचीन जो वैल्यूएशन पैरामीटर्स है वो है। जो प्राइस के हिसाब से होते हैं तो मोमेंटम एक प्राइस ड्रिवन स्ट्रैटेजी है, काफी पॉपुलर है भारत में, जहां पर पिछले 6 महीने और 12 महीने में जिन स्टॉक्स ने अच्छा किया है उनका चयन होता है पोर्टफोलियो में एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग के तरह। तो पिछले 6 महीने और 12 महीने में
जो भी स्टॉक्स ने अच्छा किया है उसका मिश्रण बनता है पोर्टफोलियो में, एक मोमेंटम पोर्टफोलियो में, और आगे जाके हर 6 महीने में ये जो पोर्टफोलियो है वो डिसिप्लिन तरीके से मेथडोलॉजी के हिसाब से चेंज होता है। तो पैसिव इन्वेस्टिंग में फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि डिसिप्लिन स्टॉक पिकिंग या स्टॉक सिलेक्शन होता है वो मेथड के हिसाब से, और हर 6 महीने में उसे रिवाइज किया जाता है, और इसीलिए इसे एक्टिव और पैसिव का एक मिश्रण कहा जाता है फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग। Absolutely. जैसा फिरोज आपने बताया कि लेस ह्यूमन इंटरवेंशन, ये एक मूल मंत्र है फैक्टर इन्वेस्टिंग का। हम थोड़ा इसको और समझने की अगर कोशिश करें, जो फैक्टर्स हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये अलग अलग मार्केट सिनेरियो में कैसे काम करते हैं, और क्योंकि इवेंचुअली चूज तो इन स्टाइल्स को या फिर उस पर्टिकुलर फंड को एक निवेशक को ही करना है, तो ये फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या हो, या कौन सा फैक्टर कौन से मार्केट सिनेरियो में काम करेगा, ये कैसे पता लगाया जाता है? देखिए, आज हम करंट फैक्टर इन्वेस्टिंग के एवोल्यूशन में इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफी पहले 2-3 कदम में ही है, तो काफी रास्ता सफर करना है हमें इसमें। पॉइंट वन, मैं ये कहना चाहूंगा कि फैक्टर इन्वेस्टिंग काफी वेरिएबल्स की स्टार्ट हुई है। बेसिकली स्मार्ट बीटा जो एक फैक्टर इन्वेस्टिंग कहा जाएगा, उसमें काफी सारी कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे निफ्टी वैल्यू 20, राइट? तो अब उसमें से निफ्टी के 50 स्टॉक में से जिसमें वैल्यू ज्यादा है, इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यूएशन आप इन्वेस्ट करेंगे, राइट? सो दैट्स वैल्यू फैक्टर। सो पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी बहुत नेसेंट है, एक रिटेल इन्वेस्टर को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, आई थिंक फैक्टर इन्वेस्टिंग में काफी वैल्यू निकल सकती है, बिकॉज एक फॉर्मूला डलता है, और इंडेक्स फंड्स जो है वो मेरे हिसाब से इंडिया के लिए अभी भी बहुत लंबी जर्नी है बिफोर विच वी अडॉप्ट एन इंडिया यूएस स्ट्रेटजी। यूएस में 70-80% पैसा इंडेक्स में है, इंडिसेस में है, वो आई थिंक इंडिया की जो उम्र है कैपिटल मार्केट की 72 साल कम है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल मार्केट की जो एज है, इंडिया काफी बचपना है उसका। तो आई थिंक इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग इंडिया के लिए नया है, सो आई थिंक एक मिड ग्राउंड बनता है इन टर्म्स ऑफ फैक्टर इन्वेस्टिंग। उसकी अभी भी काफी सारी वेरिएबल्स हैं जो आप चूज कर सकते हैं, बट उसका चुनाव आज करना एक रिटेल निवेशक के लिए मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। बट आई थिंक ये जो वैल्यू इन्वेस्टिंग है जो लास्ट 3 साल से चला है, उसके पहले 5 साल नहीं चला है, मेरे हिसाब से करंटली ऑल्सो वैल्यू विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 1-2 years। सो एक फैक्टर अगर मैं चूज करूंगा, अ सिंपलिस्टिक फैक्टर वैल्यू 20, निफ्टी वैल्यू 20 एक अच्छा फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग होगा, बिकॉज द वैल्यू इन्वेस्टिंग और साल 2 साल की मोमेंटम अभी भी उसी में है, और वैल्यू अनलॉकिंग की काफी पोटेंशियल है। सो वन फैक्टर। एब्सोल्युटली फिरोज। चिंतन, अब जरा स्मार्ट बीटा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पे आते हैं, स्मार्ट बीटा फंड, स्मार्ट बीटा स्ट्रेटजी, स्मार्ट बीटा ETF, इसकी चर्चा आजकल हर तरफ है। पहले आपसे समझना चाहेंगे, ये स्मार्ट बीटा फंड होते क्या हैं, ये कौन से जो फैक्टर पे काम करते हैं, ये फैक्टर इन्वेस्टिंग का ही एक प्रकार है? सो स्मार्ट बीटा, इसको ब्रेकअप करते हैं, बीटा यानी के मार्केट का जितना रिटर्न होता है उसे बीटा कहा जाता है। तो अगर आप आमतौर पर जो पैसिव फंड्स होते हैं वो मार्केट कैप के हिसाब से होते हैं, तो अगर हम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप पैसिव फंड्स की बात करें तो उसे मार्केट बीटा प्रोडक्ट्स कहते हैं, यानी कि मार्केट कैप के हिसाब से उनमें स्टॉक्स का चयन होता है। स्मार्ट बीटा यानी कि जो स्टॉक्स का चॉइस होता है किसी भी इंडेक्स में, वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर से होता है, स्मार्ट बीटा फैक्टर्स। और जो स्मार्ट बीटा फैक्टर्स आमतौर पर विश्व में और भारत में काफी प्रचलित है, पॉपुलर है, वो है टू स्टार्ट विथ, फिरोज जी ने कहा वैल्यू, तो जो वैल्यू फैक्टर है या जो NV20 या वैल्यू फैक्टर की उन्होंने बात कही, वो इंडेक्स की जो सिलेक्शन होती है 20 स्टॉक 50 स्टॉक में से जिनको प्राइस टू अर्निंग्स, प्राइस टू बुक, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और डिविडेंड यील्ड के मिश्रण से सिलेक्ट किया जाता है। तो स्मार्ट बीटा यानी के एक जो स्टॉक सिलेक्शन और कुछ फंड्स में जो स्टॉक की वेटेज की प्रणाली है वो भी एक फैक्टर पे डिपेंडेंट होती है। फैक्टर्स कौन से होते हैं, तो जैसे कि वैल्यू एक फैक्टर है, क्वालिटी एक फैक्टर है, वॉलिटिलिटी एक फैक्टर है, जहां पर बहुत सारे स्टॉक्स जो कम
वॉलेटाइल होते हैं या जो स्टेडी होते हैं उसे सिलेक्ट किया जाता है जो 30 स्टॉक. डिविडेंड यील्ड विश्व में या भारत के बाहर काफी प्रचलित है. भारत में क्योंकि ब्याज दरें कभी ज्यादा कम नहीं हुई है तो डिविडेंड यील्ड उतना पॉपुलर नहीं है. तो डिविडेंड यील्ड, क्वालिटी, मोमेंटम की मैंने ऑलरेडी बात कही, ये सब फैक्टर्स हैं. इन फैक्टर्स के बेसिस पर जब स्टॉक्स का चॉइस या चयन होता है किसी भी पोर्टफोलियो में, उसे स्मार्ट बीटा फैक्टर बेस्ड ETF कहा जाता है. अगर मार्केट कैप के बेसिस पे, यानी कि टॉप 50 नेम्स, उसके बाद 101 टू 250 नेम्स मिड कैप, जैसे मार्केट कैप के हिसाब से आप चूज करते हो, तो उसे मार्केट बीटा प्रोडक्ट्स या फिर मार्केट कैप प्रोडक्ट्स कहते हैं. स्मार्ट बीटा यानी कि आप मोमेंटम, लो वॉलेटिलिटी, वैल्यू, ग्रोथ में ये जो फैक्टर्स है उनके बेसिस पे स्टॉक्स का सिलेक्शन होता है और हर 6 महीने में इसे रिवाइज किया जाता है. तो वो फैक्टर जब चलता है या वो जब पर्टिकुलर फैक्टर अच्छा रिटर्न देता है तो आपको वो पर्टिकुलर स्मार्ट बीटा प्रोडक्ट भी देता है. जैसे कि फिरोज जी ने कहा, निवेशकों को अगर पता चलता है कि कौन सा फैक्टर उनके लिए सही है तो उनके लिए एक अच्छा चॉइस होगा. उसके लिए थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा और हम कोशिश करेंगे कि उसे थोड़ा आसान कर पाए. इवेंचुअली एक एक समय में एक प्रोडक्ट की डिस्कशन कर सकते हैं समय की किल्लत की वजह से, पर निवेशकों के पास आज 5 से 6 स्मार्ट बीटा ETFs भारत में अवेलेबल है. ओके, क्योंकि हम स्मार्ट बीटा की बात कर रहे हैं फिरोज, जैसा आपने बताया कि हम जब इसको घरेलू बाजार वर्सेस विकसित बाजार या जो डेवलप्ड मार्केट है उससे अगर कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि डेवलप्ड बाजार में ऐसे किसी कॉन्सेप्ट की पकड़ अच्छी है. भारत में अभी ये इवॉल्विंग है, जैसे ICICI प्रूव ही है और उसके जैसे और भी एक दो AMCs हैं वो इस कॉन्सेप्ट पे फंड्स ला चुके हैं, पर ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है. तो क्या एक स्कोप आप देख रहे हैं स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्मार्ट बीटा, जैसे ग्लोबल पकड़ जैसी है इसकी, घरेलू भी आपको आने वाले टाइम में इसकी पकड़ नजर आ रही है, आने वाले टाइम में पोटेंशियल नजर आ रहा है? देखिए, मेरा ये मानना है कि आज इंडिया की जो इन्वेस्टिंग फ्रेटर्निटी है उसने सिर्फ 4 से 5% ऑफ टोटल इंडियन हाउसहोल्ड सेविंग्स, 670 लाख करोड़ जो हाउसहोल्ड सेविंग का आंकड़ा निकल के आया हमारी एक रिसर्च में, उसमें से सिर्फ 4% इक्विटी म्यूचुअल फंड में है. क्या एसेट एलोकेशन ठीक करना है, ये सबसे बड़ा काम है हम सब इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स का. जैसे आप कर रही है, इतना प्रचार कर रही है इन्वेस्टिंग का, 10 साल में अगर ये नंबर जो है एसेट एलोकेशन का 4% इक्विटी म्यूचुअल फंड में हमारे जैसे देश में, वो नंबर बहुत शर्मदायक है. और इंडिया की जो रिटर्न है, ओवरऑल इंडिया की हाउस होल्ड की रिटर्न की हमने स्टडी की, 7% से कम है लास्ट 10 साल की रिटर्न हाउस होल्ड सेविंग्स की. तो वी हैव बिगर प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, पॉइंट वन. तो मेरा ये मानना है कि एसेट एलोकेशन में इतनी रिटर्न फंसी हुई है, इंडियंस कमा नहीं रहे. क्योंकि यूएस की जो स्टडी हमने की उसमें इंडियन यूएस हाउस होल्ड की रिटर्न उनके ब्याज दरों से 3 गुना ज्यादा है और हमारी ब्याज दरों जितनी है, गवर्नमेंट की इंटरेस्ट जितनी है लास्ट में. सो पॉइंट ये बोल रहा हूँ कि इंडिया हैज लॉट ऑफ मनी टू बी मेड इन एसेट एलोकेशन चेंज. सेकंड, जो इन्वेस्टर है वो नहीं समझता है. जैसे ICICI ने फंड्स निकाले और दूसरी AMCs निकाले, वो एक दूसरी सेगमेंट है. जैसे हमारा HNI से का साथ कारोबार है, उनकी फिर भी थोड़ी बहुत ज्यादा समझ है. लार्जर इंडिया की समझ नहीं है, बीटा नहीं समझते. तो स्मार्ट बीटा क्या समझेंगे? बीटा एक रिस्क मेजर है, राइट? अगर निफ्टी अगर ऊपर जाती है तो आपका उन निफ्टी के मुकाबले कितना ज्यादा रिस्क है वो बीटा बताता है. तो वो समझना पहले हमारा फर्ज है, फिर उसके बाद स्मार्ट बीटा. सो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आर एड्रेसिंग द नीड ऑफ अ डिफरेंट सेगमेंट एंड आई थिंक दैट्स व्हाई, जैसे आपने ठीक फरमाया कि अभी तक मोमेंटम आया नहीं है, इन्वेस्टर एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है. उस दौरान काफी सारी रिटर्न्स की एस्टैब्लिश हो रही है तो इतना डेटा कलेक्ट हो रहा है. जब तक कि इंडियन रिटेल 5 साल में तैयार हो जाएगा इसको कंज्यूम करने के लिए, तो 5-7 साल का फैक्टर इन्वेस्टिंग का डेटा होगा जो उसको एनालाइज करके वो निर्णय ले पाएगी कौन से वाले में जाना है. सो बिग सर्विस बीइंग डन बाय एसेट मैनेजमेंट कंपनीज लाइक ICICI टू बिल्ड द डेटा सो दैट जब इन्वेस्टर तैयार हो तो नवीन ना हो ये प्रोडक्ट. बिल्कुल, मैं बहुत जल्दी एक छोटा रिएक्शन चिंतन से लेना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन फिरोज ने यहाँ पर रखी है चिंतन. और आपने जब स्टडी किया, बिकॉज आपने इसी फील्ड में कई प्रोडक्ट्स लाए हैं, तो कौन से वर्ग के निवेशकों को आप टारगेट यहाँ पर कर रहे हैं? तो ये इस तरीके के फंड में, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट में कैसे निवेशक को जाना चाहिए? तो हमने आज से करीबन 6-7 साल पहले सबसे पहला जो हमारा स्मार्ट बीटा ETF लाया था, तभी लोगों के
नॉलेज में कम था और लोग ETF की तरफ देखने रहे थे। पिछले 3 सालों में कोविड के बाद हमने देखा है कि जो स्पेशली HNI वर्क है, फैमिली ऑफिसेज है, यानी कि जो बड़े बड़े जो फैमिलीज है उनकी फैमिली ऑफिसेज होती है, उनमें स्मार्ट बीटा ETF, क्योंकि वो फैक्टर्स भी समझते हैं, बीटा भी समझते हैं, उनमें एक अच्छा पिकअप देखा गया है। हाँ, ओवरऑल म्यूचुअल फंड के हिसाब से हिस्सेदारी छोटी है, पर डेफिनेटली जो मोमेंटम आ रहा है वो बड़े इंडिविजुअल्स, बड़े HNIs और फैमिली ऑफिसेज से द्वारा इस पर्टिकुलर फील्ड में आ रही है। स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग, फैक्टर इन्वेस्टिंग, इस पर करें खास चर्चा। ICICI प्रू के चिंतन हरिया हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के फिरोज अजीज हैं। क्योंकि स्मार्ट बीटा ETFs के बहुत प्रकार हैं, उसमें से काफी फंड्स तो ICICI प्रू आप ही ने लाए हैं, इसे चिंतन में आप ही से जानना चाहती हूँ। अभी अगर हम पूरे इंडेक्स की बात करें, उसमें भी स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग में आप रीसेंट टाइम में कहाँ पर निवेशक के लिए मौके हैं ये जरा समझाइए, और कौन सा ETF है जो आप लेकर आए हैं जो आपको लगता है कि इस बाजार में निवेश करना एक निवेशक के लिए सही है। जो ICICI Prudential का लेटेस्ट ऑफरिंग है वो निफ्टी क्वालिटी 30 इंडेक्स के ऊपर है। हमने देखा है पिछले दो सालों में जो क्वालिटी स्टॉक्स है वो कंसोलिडेशन के दौर से गुजरे हैं। साइक्लिकल स्टॉक्स है जैसे कि मेटल सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, कैपिटल गुड्स, उसमें एक अच्छा तेजी का रुझान देखा गया है। पर जो क्वालिटी नेम्स है जिनकी लॉन्ग टर्म स्टेडी ग्रोथ होती है और हाई क्वालिटी बिजनेस होता है, उनमें अंडर परफॉर्मेंस देखा गया है। तो इस समय हमारा ऐसा मानना है कि अगर निवेशकों को एक ऑप्शन मिलता है क्वालिटी का तो अच्छा रहेगा, और इसीलिए हम निफ्टी क्वालिटी 30 ETF ला रहे हैं। 4 अगस्त को वो NFO क्लोज हो रहा है, और उसकी जो खासियत है संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि जो स्टॉक्स का चयन होता है उनमें 3 चीजें देखी जाती है। पहले है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि अगर 100 रुपए किसी भी कंपनी के मालिक ने लगाया है तो उसमें उनका कितना मुनाफा हो रहा है। दूसरा जो फैक्टर है उसमें जो सिलेक्ट किया जाता है वो डेट टू इक्विटी, यानी कि लीवरेज, क्या बहुत कर्जा लिया गया है वो कंपनी में मुनाफा लाने के लिए, या कर्जा नहीं लिया गया, कर्जा नहीं लिया है तो वो एक पॉजिटिव है। और तीसरा है वो है कंसिस्टेंसी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, पिछले 5 सालों में जो प्रॉफिटेबिलिटी की कंसिस्टेंसी है वो कैसी रही है। तो ये तीनों का मिश्रण बनके जो स्टॉक्स उभर कर आते हैं, 200 स्टॉक्स जो टॉप 200 नेम्स है उसमें से जो 30 स्टॉक उभर कर आते हैं उसका चयन किया जाता है, और इसे क्वालिटी 30 ETF में निवेशकों को फायदा होगा। आज अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर नेम्स, ये 2 बड़े क्षेत्र हैं जिनमें एक बड़ा हिस्सा है ये पर्टिकुलर पोर्टफोलियो का। तो हमारा ऐसा मानना है कि लंबी अवधि के लिए आपको निवेश करना है, जहां पर आप टैक्टिकल कॉल नहीं ले रहे पर आप इन्वेस्ट करते जाइए, भारत के ग्रोथ के साथ आपको ग्रोथ करना है, तो क्वालिटी 30 और लो वॉलिटिलिटी दोनों ऑप्शंस आपके लिए सही रहेंगे। आप हर महीने उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर 10 साल 15 साल में जो पूरा फायदा है भारत के ग्रोथ का आपको उसमें से मिल सकता है। और निवेश करने का तरीका फिरोज, आपको ऐसे किसी फंड में क्या सही लगता है? क्योंकि डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि फैक्टर इन्वेस्टिंग हर निवेशक के लिए शायद सूट नहीं करता है, पर क्या SIP एक तरीका हो सकता है ऐसे किसी फंड में इन्वेस्ट करने का? अगर ETF है तो आप ग्रेजुअली परचेस कर सकते हैं एक्सचेंज पे, डेफिनेटली स्टैगर करके इन्वेस्ट करेंगे तो कभी भी नुकसान नहीं होता। जनरली जो पैसे आपके पास एक मुश्त होते हैं वो कन्वेंशनल इक्विटी स्कीम्स में जा सकते हैं। 380 इक्विटी स्कीम्स हैं, उसमें से बेहतरीन इक्विटी स्कीम ने और वर्स्ट इक्विटी स्कीम का लास्ट ईयर का डिफरेंस था 35% का एक साल का रिटर्न का, तो काफी उधर भी होमवर्क करके आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जो आपकी रेगुलर SIPs हैं उसमें डेफिनेटली थोड़े फैक्टर्स की गुंजाइश है, जैसे चिंतन जी कह रहे थे कि जो ये 3 फैक्टर के आधार पे NFO ला रहे हैं तो ये 3 फैक्टर उनके तजुर्बे के हिसाब से काफी अच्छी कोरिलेशन रखते होंगे कि इस आधार पे खरीदो तो पैसे बनते हैं। तो ये बेस्ट पार्ट फैक्टर इन्वेस्टिंग का ये है कि जो भी फैक्टर्स की कॉम्बिनेशन कोई भी वेट्स में अगर इक्वल वेट ये तीनों को दिया जाएगा तो उसको बैक टेस्ट करके देख सकते हैं कि ये निफ्टी से अच्छा प्रदर्शन देगा कि नहीं देगा। तो ये जो निचोड़ है ये 3 फैक्टर्स का, ये ICICI का काफी सालों का निचोड़ होगा, तो ये रिटेल निवेशक को मिले तो फायदा हो सकता है। सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कोई ये नहीं है, बिकॉज ये जो तीनों
बुनियाद के आधार पे जो 30 स्टॉक खरीदे जाएंगे, आई थिंक ये बुनियाद टिकेगी 10 साल 20 साल तक। ये जो हाइपोथेसिस है कि अच्छे फैक्टर के आधार है, तो काफी अच्छी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होगी। आपको ज्यादा एक्टिव मैनेज करना नहीं पड़ेगा, 10 साल की भी एसआईपी करेंगे तो आपको हर 2 साल स्कीम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, कमिंग टू फैक्टर इन्वेस्टिंग, 2-4 ऐसे फैक्टर के आधार पे जो इन्वेस्टिंग है जो इंडिया की इन्वेस्टिंग पूल को बढ़ा सके। जैसे एक शरिया के हिसाब से है तो काफी सारे मुस्लिम जो है वो शरिया लॉ फॉलो करते हैं, वो महरूम रह जाते हैं इन्वेस्टमेंट से। तो उस आधार पे, उस फैक्टर पे अगर एक पोर्टफोलियो बनाया जाए तो एक जो यूनिवर्स नहीं है तो इंडियन इन्वेस्टर की जो फ्रेटर्निटी है उसको एक्सपैंड करने की, जो पाई को एक्सपैंड करने की क्षमता रखता है। सो फैक्टर इंडस्ट्री में दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, बट आई थिंक दैट्स आफ्टर आप एक कोर पोर्टफोलियो बना लें। अगर आपके पास ऑलरेडी 5-7 फंड हैं, फिर आप 8वां फंड खरीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली दिस इज अ प्लेस टू गो एंड रिसर्च। बिल्कुल चिंतन, आपसे आखिरी सवाल होगा, जो निवेशक अभी हमें देख रहे हैं या जो इंटरेस्टेड हैं फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग में निवेश करने के लिए या किसी ऐसे एक स्मार्ट बीटा फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए, ऐसे किसी ETF में इन्वेस्ट करने के लिए, फंड का चुनाव कैसे किया जाए, कैसे पता चले कि ये जो फंड है वो अच्छा है, एक सूटेबिलिटी फैक्टर एक निवेशक कैसे जज करे? क्योंकि हर एक फैक्टर बेस्ड ETF की जो मेथोडोलॉजी है वो काफी क्लियर होती है और सिंपल भी होती है। आमतौर पर एक ही फैक्टर होता है जो उन्हें जिनसे चयन किया जाता है, फॉर एग्जांपल मोमेंटम। अगर किसी इन्वेस्टर को लगता है कि हाँ बाजार में मोमेंटम है और हमें मोमेंटम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो वो मोमेंटम ETF के द्वारा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर किसी इन्वेस्टर को लगता है कि मुझे वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग करना है तो मैं वैल्यू फैक्टर के बेसिस पे जो ETF है तो NV20 एक वैल्यू फैक्टर के बेसिस पे है तो मैं उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ जो इंडेक्स है। क्वालिटी कॉन्शियस कुछ लोग होते हैं कि हाँ हाई क्वालिटी अगर स्टॉक है जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी और डेट कम है और कंसिस्टेंसी ज्यादा है प्रॉफिटेबिलिटी की तो वो क्वालिटी ETF चूज कर सकते हैं। तो निवेशकों को अपनी जो तासीर होती है, जो एक पर्टिकुलर रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, उस हिसाब से वो चयन कर सकते हैं। हमने देखा है जनरली जो लो वॉलिटिलिटी है, स्थिरता बाजार में सभी को पसंद है। और अगर हम देखेंगे भारत में पिछले 10 साल में, इनफैक्ट पिछले 1 साल की भारत की स्थिरता सबसे ज्यादा होने के कारण हमारा जो विश्वास है बाजार पे वो बढ़ते जा रहा है आम निवेशकों का भी। तो अगर स्थिर स्टॉक्स आप चूज करते हो यानी कि लो वॉलिटिलिटी, सो जो लो वॉलिटिलिटी पे जो ETF है वो भी सिलेक्शन हो सकता है निवेशकों का। तो निवेशकों का अपने आधार के हिसाब से खरीद सकते हैं, पर हमारा अनुभव और हमारे जो पोर्टफोलियोज है उसमें लो वॉलिटिलिटी काफी एक फेमस है और हमारा ऐसा मानना है कि क्वालिटी भी एक अच्छा फिट रहेगा निवेशकों के लिए लॉन्ग टर्म। शुक्रिया। बिल्कुल, तो ये कुछ फैक्टर्स जिसके आधार पर आप फैक्टर बेस्ड किसी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जैसा बताया चिंतन ने, और सोचना समझना उसके बारे में, पढ़ाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर किसी के लिए फैक्टर्स को समझना इतना आसान नहीं है जैसा फिरोज ने बताया। इसलिए इस पूरे डोमेन को थोड़ा अच्छे से समझें और हम भी कोशिश करेंगे लगातार इसके बारे में आपके लिए शो लेकर आएं। आज के लिए इस शो में शामिल होने के लिए फिरोज और चिंतन आप दोनों का बहुत धन्यवाद करेंगे मनी गुरु में शामिल होने के लिए। रुकते हैं ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।